कल की रैली के बाद बिहार में राजनीतिक उफान जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। कल दो रैली थी, इसकी चर्चा तो खूब होती है, लेकिन तीसरी जो थी उसकी चर्चा कम हुई। हालांकि वो रैली इन दोनों रैली से भी ज़्यादा सफल मानी जा रही है, क्योंकि बाकी के जगह सभी अपने अपने गठबंधन और बाकी की चीज़ों को लेकर के शामिल थे, लेकिन इस रैली में अकेले चिराग पासवान ने लोगों को संबोधित किया था। भारी भीड़ थी, आज भी उनकी रैली थी और इस रैली में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बिहार और बिहार से जुड़ी हुई तमाम बातों को रखा। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार जिस तरह से बिहार फोकस कर रहे हैं और उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अब बिहार की जनता का नब्ज टटोल लिया है। आज भी अपार भीड़ के साथ सब कुछ देखने को मिला और देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो एक अलग तरह की बात है। गया में चिराग पासवान का तूफानी रैली हुआ और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सबको पीछे छोड़ दिया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी अब मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान उसके अंग हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अभी इस बातों से को स्वीकार नहीं किया है बल्कि इनकार ही किया है। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ बढ़ती हुई चिराग पासवान की लोकप्रियता और लोगों का हुजूम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने बिहार के युवाओं को तो कम से कम अपने पाले में कर लिया है। लगातार वो बिहार की समस्याओं से और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के, बिहार में बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के लगातार वो चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का सीधा संवाद वो आम जनता से कर रहे हैं। इस संवाद का फ़ायदा उन्हें क्या मिल रहा है वो आप उनके बयानों और इस देख भीड़ को देख करके लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम इतना उमड़ पड़ा है कि लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। देखिए वीडियो और उसके बाद कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, बिहार बदल रहा है? शराब नहीं मिलती है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।